हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का विषय हमारा हिंदी होगा, जो कि वर्कशीट नंबर हमारा 30 है और ये 17th ऑफ सितंबर 2021 के लिए है। तो प्यारे बच्चों, आज हम सूरदास जी द्वारा रचित भ्रमर भ्रमर गीत यानी काव्य से लिए गए पद को पढ़कर भावार्थ के आधार पर समझेंगे और उसमें प्रयुक्त काव्यगत सौंदर्य से भी परिचित होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसान है, मजेदार है आज का, ठीक है? तो चलिए पद पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है? तो पहले अपरिचित पर जो है ना, ये देखिए, मधुर मतलब होता है भंवर या उद्भव, परहित मतलब दूसरों के भले के लिए और अनीति जो नियम के खिलाफ हो, ठीक है? तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। हरी है राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहर मधुकर के, समाचार सब पाए, एक अति चतुर हुतै पहिए ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश उठ पठाए, उधो भले लोग आगे के, जो परहित डोलत धाए, अब अपने मन पेर पाएंगे हैं, चलत जो हुतै चुराए, ते क्यों अनीति करे आपुन जे, और अनीति छुपाए, राज धर्म तो यह सुर जो प्रजा न जाही सताए। अर्थात भावार्थ इसका क्या है डियर स्टूडेंट, इसमें ये बताया जा रहा है कि गोपियां कहती है कृष्ण ने तो अब राजनीति की पढ़ाई कर ली है, इसीलिए स्वयं न आकर उद्धव को भेज दिया है ताकि वहां बैठे बैठे गोपियों का सारा हाल जान सके। एक तो वे पहले से ही बहुत चतुर थे और अब तो लगता है कि गुरु ग्रंथ की भी पढ़ लिया है। कृष्ण ने बहुत अधिक बुद्धि लगाकर गोपियों के लिए योग का संदेश भेजा है, इससे गोपियों का मन और भी हल्का फिर गया है और वह डोलने लगा है। गोपियों का लगता है कि अब उन्हें कृष्ण से अपना मन फेर लेना चाहिए, क्योंकि कृष्ण अब उनसे मिलना ही नहीं चाहते। गोपियां कहती है कि कृष्ण उन पर अन्याय कर रही है, जबकि कृष्ण तो राजधर्म पता होना चाहिए, जो ये कहता है कि प्रजा को कभी भी सताना नहीं चाहिए। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये बहुत ही आसानी से पढ़ के आसानी से समझ जाएंगे, ठीक है? अब इसमें जो पूछे गए प्रश्न है, एक एक करके इस सभी का हम आंसर देखते हैं, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते, गतिविधि भी है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर पहला है, गोपियां को ऐसा क्यों लगता है कि पहले के लोग भले थे? तो पहले के लोग भले थे, गोपियां को ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि पहले के लोग दूसरों की भलाई के लिए दौड़ चले जाते हैं थे, ऐसा गोपियों का अनुभव रहा था, ऐसे उन्होंने उद्धव से कहा। यानी गोपियों को ऐसा क्यों लगता है कि पहले के लोग भले थे? तो पहले के लोग भले थे, गोपियों को ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि पहले के लोग दूसरों की भलाई, यहाँ भलाई आप लिख लेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट, भलाई के लिए दौड़े चले आते थे, ऐसा इसीलिए गोपियों का अनुभव रहा था कि ऐसा उन्होंने उद्धव से कहा। प्रस्तुत पद में राजा का धर्म क्या होता है? तो प्रस्तुत पद में राजा का धर्म बताया गया है कि उसे अपनी प्रजा को कभी सताना नहीं चाहिए, ठीक है? गुरु ग्रंथ में अनुप्रास अलंकार प्रयुक्त हुआ है, ऐसे अन्य शब्द भी लिखे थे, गुरु ग्रंथ, बढ़ी बुढ़ी, इसमें अनुप्रास अलंकार है, ठीक है? इसके क्वेश्चन नंबर हमारा ये गतिविधि है, तो चलिए इस गतिविधि को देखते हैं। गतिविधि है, राजा की तरह प्रत्येक मनुष्य का मनुष्य एकाएक धर्म होना चाहिए, अपने मन से ऐसे नियम लिखिए जो कि समाज के लिए जरूरी है। तो मनुष्य को वातावरण का सुंदर बनाना चाहिए, ठीक है? यहाँ पे ये जरूर डालिएगा, बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए और सरकार को टैक्स देना चाहिए, ठीक है? तो ये सारी बातें हमें जो है ना करनी चाहिए, ठीक है? तो चलिए, आपको लगता है ये वर्कशीट आपके लिए हेल्पफुल, तो इस वर्कशीट को लाइक कीजिए, हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर 1 से 2 दिन पहले आप सभी को वर्कशीट प्रोवाइड कर दी जाती है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।